प्रीता की परछाई काव्या की हो गई वापस ही, और हूबहू काव्या का चेहरा होगा प्रीता की तरह, यानी कि प्रीता का देखने को मिलेगा डबल रोल। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब शौर्य नहाकर फ्रेश होकर बाहर जाने के लिए अपने जूते को पहनने के लिए अपने कमरे में आएगा और अपने वार्डरोब में से जूते को पसंद करेगा, तभी शौर्य को 100 जोड़ी जूतों में से कोई भी जूता पसंद नहीं आएगा, जिस वजह से शौर्य जोर से चिल्लाने लगेगा और तभी वहाँ पर राखी माँ आ जाएगी और शौर्य राखी माँ को कहेगा कि माँ देखो ना, मुझे कोई भी जूते पसंद नहीं आ रहे, यहाँ पर इस घर में मेरे लायक कोई भी ढंग के जूते नहीं है। यह सुनकर राखी माँ को काफी बड़ा शौक लगेगा और राखी माँ शौर्य को कहेगी, इतने सारे तो जूते हैं, इनमें से तुझे क्या एक भी जूते पसंद नहीं आ रहे? अरे तू बड़े घर में पैदा हुआ है, ये तेरे नसीब की बात है। ये नसीब वाली बात सुनकर शौर्य को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और कोई भी जूते पहनकर बाहर चला जाएगा। लेकिन जब राखी माँ करीना बुआ और दादी के पास जाएगी और करीना बुआ एंड दादी को कहेगी कि शौर्य को देखो ना, वो कितना बिगड़ गया है, उसे हमारे घर में कोई भी चीज पसंद नहीं आ रही और सब कुछ उल्टा ही कर रहा है, पता नहीं अब आगे और क्या क्या होना बाकी है, हमारा घर पहले से ही पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तभी यह सुनकर अचानक से करीना बुआ एंड दादी काव्या का नाम लेगी और राखी माँ को कहेगी, राखी तू ये सब क्या कह रही है, हमारे लूथास की डोर संभालने वाली एक तो है ना शौर्य की बड़ी बहन काव्या, वही हमारे लूथास के आगे बिजनेस को संभालेगी। यह सुनकर राखी माँ हाँ कहेगी, लेकिन काव्या घर पे नहीं रहती, इसका बड़ा खुलासा करती हुई राखी माँ कहेगी कि अफसोस की बात यह है कि काव्या अब हमारे साथ नहीं रहती, उसे अभी भी ये लगता है कि उसकी माँ को हमने छीना था, इसलिए वो अपनी बचपन से पढ़ाई बाहर ही करी है, पता नहीं कब काव्या अपनी सारी पढ़ाई पूरी करके हमारे घर आएगी। तभी यह सुनकर दादी कहेगी, वो जरूर आएगी क्योंकि उसके अंदर और किसी की नहीं बल्कि प्रीता की परछाई है, जैसे प्रीता कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती थी, वैसे ही वो किसी का बुरा नहीं चाहेगी और अपने परिवार के लिए तो काव्या कुछ भी कर बैठेगी, बस हमें एक सही समय का इंतजार है, जब काव्या को अपने परिवार और अपने किए का एहसास होगा तब वो हमारे पास वापस लौट कर आ जाएगी। यह सुनकर तभी काव्या की झलक दिखाने से पहले राखी माँ कहेगी, हाँ पता नहीं काव्या अभी क्या करी होगी और अभी किस हालत में होगी। यह राखी माँ अपने मुंह से काव्या को याद करती हुई कहेगी, तभी दूसरे शहर में काव्या की झलक दिखाई जाएगी जहाँ पर काव्या अपनी पढ़ाई करते हुए सबकी मदद करी होगी, जिस वजह से जब कैमरा काव्या के चेहरे पर ले जाया जाएगा और काव्या जैसे ही मुड़ेगी तभी आपको काव्या के चेहरे पर और किसी का नहीं बल्कि प्रीता का चेहरा देखने को मिलेगा, जो काव्या हो बहु प्रीता की तरह दिख रही होगी और प्रीता का ही दूसरा रोल यानी कि डबल रोल काव्या का होगा। और लेकिन काव्या प्रीता की मुलाकात तब होगी जब राजवीर के जॉब इंटरव्यू का कॉल मुंबई से आएगा और जॉब के सिलेक्शन के लिए राजवीर मुंबई जाने के लिए प्रीता सृष्टि के साथ रेडी हो जाएगा और सृष्टि पहली बार में राजवीर को मुंबई जाने से इनकार करेगी, तभी प्रीता अपने बेटे राजवीर के लिए जबरदस्ती सृष्टि के मुंह से हाँ कहलवा देगी और सृष्टि प्रीता राजवीर तीनों मुंबई जाएंगे, जहां पर प्रीता की पहली मुलाकात अपनी बेटी काव्या के साथ होगी, जहां पर जब सृष्टि काव्या को पहली नजर में देखेगी तभी सृष्टि काव्या को दी कहकर बुलाएगी, लेकिन उसी वक्त तभी काव्या सृष्टि को कहेगी, ओए मैं तुम्हारी दी लगती हूँ क्या, तुम तो हो खुद तो आंटी जैसी और मुझे दी कह रही हो, मैं तुम्हारी बेटी समान हूँ। यह सुनकर सृष्टि को काफी बड़ा झटका लगेगा और लेकिन अब प्रीता का डबल रोल उसकी बेटी काव्या के रूप में देखना चाहते हैं क्या नहीं और प्रीता काव्या की मुलाकात होनी चाहिए क्या नहीं और करण प्रीता की जोड़ी को आप फिर से देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।